नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एटीजेड। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दिमागी बुखार, डेंगू आदि के खिलाफ चलाया जा रहा है डोर टू डोर जागरूकता अभियान। खबर उन्नाव से है, जहां पूरा देश कोरोना जैसी महामारी झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार लोग दिमागी बुखार, डेंगू आदि से भी प्रभावित हो रहे हैं। यह देखकर लगातार सरकार व जिला प्रशासन द्वारा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक अभियान के तहत पूरे जनपद में दिमागी बुखार तथा संचारी रोगों की रोकथाम के लिए एक माह तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को 100% सफल बनाने हेतु जिला मलेरिया अधिकारी रमेश चंद्र यादव के कुशल नेतृत्व में 61,264 आशा बहुओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को साफ सफाई, कचरा निस्तारण, जल भराव रोकने व शुद्ध पेयजल की उपलब्धता पर विशेष जोर देते हुए जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। वहीं लोगों को जागरूक करने हेतु आशाओं द्वारा लोगों की दीवारों पर लिखकर पूरे अभियान को विशेष रूप से सफल बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वहीं जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा समस्त आशाओं के प्रतिदिन किए गए कार्यों की निरंतर समीक्षा कर डोर टू डोर सर्वे करने व अधिक से अधिक संचारी रोग के मरीजों की जांच कराने के निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। वहीं निराला प्रेक्षा गृह उन्नाव में शनिवार को संचारी रोग को सफल बनाने हेतु आशाओं के साथ जिले के नोडल अधिकारियों ने की समीक्षा बैठक। समाज एटीजेड के लिए उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट। साहब, इस समय संचारी रोग अभियान चलाया जा रहा है, किस तरीके से आपके द्वारा पूरे जनपद में कार्य किया जा रहा है रोकथाम के लिए? संचारी रोग नियंत्रण अभियान शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में दिमागी बुखार से बचाव के लिए एवं अन्य वेक्टर जिन बीमारियों से बचाव के लिए चलाया जा रहा है। इसमें हमारे सबसे जो फ्रंट लाइन वर्कर आशा हैं, आशाओं द्वारा जनपद की पूरे 1,043 ग्राम पंचायतों में एक एक आशा द्वारा कम से कम 10 सार्वजनिक स्थानों पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान से संबंधित स्लोगन लिखा जा रहा है, जिसमें कुछ स्लोगन शासन से भी लिख करके आए हैं। बुखार में देरी पड़ेगी भारी, कचरा कचरे दानी में, सोए मच्छरदानी में। इस तरह से हमने करीब 10 स्लोगन समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य प्रभारियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को दिया है और दीवारों पर आशाएं इसका लेखन कर रही हैं। आज जिलाधिकारी महोदय को भी बताया गया तो आशाओं के कार्य से बड़े खुश भी हुए। और हमारा यही है कि इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुँचे और ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुँचे। तो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं आशा और आंगनबाड़ी, उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। बाकी संचारी रोग में और जनपद स्तर पे सहयोगी हमारे 9 विभाग हैं, उनसे भी कार्य योजना लेकर के कार्य संपादित कराया जा रहा है। नगर पालिका, नगर पंचायतों से भी कार्य योजना लेकर के उनके द्वारा पार्किंग और एंटी लार्वल कार्रवाई कराई जा रही है। उन्नाव शहर के लिए उन्नाव नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जी से आज ही वार्ता हुई है कि वो उन्नाव शहर में एंटी लार्वल और पार्किंग की कार्रवाई संपादित कराएं, जिससे वेक्टरजनित रोगों से आम जनमानस को मुक्ति मिल सके और हमारा उन्नाव जनपद वेक्टरजनित रोगों से बचा रहे, जो शासन की प्राथमिकता है, शासन की मंशा के अनुरूप काम होता रहे।